कीज, शॉर्टकट कीज बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्टकट कीज जो कंट्रोल के साथ ए टू जेड आता है, वो तो नॉर्मल शॉर्टकट कीज हो गया। उस शॉर्टकट कीज का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है आपके एग्ज़ाम में पूछने का, लेकिन इसमें जो हम शॉर्टकट कीज बताने जा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। तो सभी स्टूडेंट पेन और पेपर लेके बैठेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। लेकिन सही मायने में गुड मॉर्निंग तब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में अगर ग्रामेटिकली एरर हाईलाइट हो डैश होता है, तो इसमें आपको हम बता दें कि एमएस वर्ड में तीन तरह के कलर का अंडरलाइन होता है, एक ग्रीन, दूसरा होता है रेड और तीसरा होता है ब्लू। तो रेड अंडरलाइन वर्ड मीनिंग मिस्टेक को बताता है, जबकि ग्रीन अंडरलाइन ग्रामेटिकली एरर को और ब्लू अंडरलाइन रिपीटेड वर्ड को इंडिकेट करता है। बिल्कुल आंसर आ गया है, आंसर आना ही चाहिए था। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं बता दूं, एमएस वर्ड में अगर ग्रामेटिकली ग्रामर ग्रामर से अगर गलती हो, व्याकरण का गलती है इंग्लिश में, हिंदी में या इंग्लिश में, तो कौन सा अंडरलाइन आएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है और वो है ग्रीन अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? सब स्क्रिप्ट, तो याद होगा आपको एक सब स्क्रिप्ट है, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसमें आंसर है आपका कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस परसेंटेज और कंट्रोल प्लस एट द रेट। तो इसका सही आंसर, आंसर थोड़ा स्लो आ रहा है, आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूँ, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एमएस वर्ड में मार्क्स एंट्री का शॉर्टकट कीज होता है, तो एमएस वर्ड में मार्क्स एंट्री के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं? तो यहाँ पर देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एक्स है, नन है। तो ए टू जेड वाला शॉर्टकट कीज तो पुराना हो गया, अब के एग्जामिनेशन में थोड़ा वास्ट आएगा, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के शॉर्टकट कीज ला रहा हूँ, और निश्चित रूप से इस तरह का ही शॉर्टकट कीज आएगा। तो आपका सही आंसर है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी शॉर्टकट कीज आ रहा है उस सभी को नोट करते जाइए। बहुत जल्द इसका मैं सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में व्हाट काउंट कमांड रिव्यू टैब के किस ग्रुप में है? तो चलिए ये क्वेश्चन हमको एक आंसर भी दे रहा है, एमएस वर्ड 2016 में व्हाट काउंट कमांड रिव्यू टैब में होता है, ये तो पता दिया, लेकिन रिव्यू टैब के किस ग्रुप में होता है, ग्रुप पूछा जा रहा है। तो ग्रुप में लैंग्वेज, कमेंट, प्रूफिंग और नन। चलिए आपका आंसर सही है, आंसर करिए, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा। चलिए सही जवाब है प्रूफिंग, प्रूफिंग ग्रुप में व्हाट काउंट कमांड होता है। तो व्हाट काउंट कमांड रिव्यू रिबॉन के रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में होता है, याद रखिएगा। व्हाट काउंट कहाँ है? प्रूफिंग। व्हाट काउंट प्रूफिंग ग्रुप में है, व्हाट काउंट रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है जो कि पहले से सेट होता है? डिफॉल्ट जूम साइज, तो जूम में मिनिमम परसेंटेज होता है 10, मैक्सिमम 500 और बाय डिफॉल्ट जो जूम साइज होता है वो होता है 100%। बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सिंबल ऑप्शन किस मेनू में होता है? सिंबल पूछा जा रहा है, सिंबल, सिंबल ऑप्शन टेबल में, टूल्स में, इंसर्ट में, होम में। तो सिंबल ऑप्शन, सिंबल को हम लोग इंसर्ट करते हैं,
तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब है और इसका सही आंसर है इंसर्ट। इंसर्ट में रहता है सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक की शॉर्टकट कीज क्या हो क्या है? मैनुअल लाइन ब्रेक, लाइन को ब्रेक करना है ना, पेज ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक होता है, यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना है, तो उसका शॉर्टकट कीज क्या होता है? शिफ्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, स्पेस प्लस इंटर। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर बटन को दबाने से हम लोग मैनुअली लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग की जाती है? एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, तो यहाँ पे आउटलाइन व्यू पूछा जा रहा है। आउटलाइन व्यू के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाई और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर। चलिए आंसर, नहीं ये आंसर गलत है। चलिए सही आंसर मैं बता रहा हूँ, सही आंसर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 0। तो आउटलाइन लिखिए और डैश दे के लिख लीजिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एमएस वर्ड में सिंगल सिंगल टेक्स्ट बाय टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्टकट कीज के जरिए कर सकते हैं? अब देखिए, एक अंडरलाइन क्या होता है ना, जब अंडरलाइन कमांड का यूज करते हैं तो पूरा पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरे टोटल में अंडरलाइन कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सिंगल सिंगल टेक्स्ट। सिंगल सिंगल टेक्स्ट का मतलब हो गया एमएस में अंडरलाइन होगा, बीच में स्पेस खाली रहेगा, फिर वर्ड अंडरलाइन रहेगा, स्पेस रहेगा, फिर में अंडरलाइन होगा, फिर सिंगल अंडरलाइन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के नीचे ही अंडरलाइन होगा। ये जो स्पेस बीच बीच में छुटा हुआ है, स्पेस के अंदर अंडरलाइन नहीं होगा, है ना। इसके लिए अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, नोट करिए कॉपी में फटाक से, देर मत कीजिए, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू। तो देखिए सही आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को दबा दीजिए, तो जो भी हमारा वर्ड है सिर्फ और सिर्फ वर्ड के ही नीचे अंडरलाइन आएगा, पूरे में अंडरलाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड नोट को डैश के अंत में जोड़ा जाता है, इंड नोट को कहाँ लिखा जाता है? पेज के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, या उपरोक्त सभी, कहाँ पर लिख सकते हैं इंड नोट? तो इसका सही जवाब है पैराग्राफ के अंत में, पैराग्राफ के लास्ट में लिखा जाता है इंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बिल्कुल VVI समझ लीजिए। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में, या पॉइंट्स में? तो सॉरी खांसी हो रहा है, इंच में नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं, मीटर में भी नहीं, तो ये सही आंसर है पॉइंट्स में, जिसको PT भी कहते हैं, PT फॉर पॉइंट्स। पॉइंट्स जैसे ये सब इंच और सेंटीमीटर और मीटर लंबाई नापने की इकाई है, उसी तरह से यहाँ पे फॉन्ट के साइज को नापने की इकाई है PT, पॉइंट्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कीज? डबल लाइन स्पेसिंग, नोट करिए, डबल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग लिख के डैश दीजिए का शॉर्टकट कीज है कौन सा है? कंट्रोल प्लस ओ, शिफ्ट प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू, अल्ट प्लस टू, सॉरी ये ओ नहीं, जीरो है, कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू, अल्ट प्लस टू। तो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस टू। तो फटाक से नोट करिए, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल एक प्रकार का है एरियल, एरियल वो एरियल एंटीना वाला एरियल नहीं है, एरियल, एरियल क्या है?
फॉन्ट अलाइनमेंट है? नहीं, अलाइनमेंट तो लेफ्ट राइट सेंटर होता है। फॉन्ट शैली है, फॉन्ट साइज है, कोई नहीं है, बिल्कुल है। हाँ, सही आंसर है। ठीक है, चलिए सही आंसर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समय को भी देखना है, और जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करने के लिए हम समय दे देंगे। अभी इसका आंसर है फॉन्ट शैली है, ये एक तरह का फॉन्ट है। एरियल, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कुर्ती देव है, मंगल फॉन्ट है ना, ये सब फॉन्ट शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं कहाँ? टेक्स्ट में बॉर्डर लगा सकते हैं क्या? पैराग्राफ में लगा सकते हैं क्या? या पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं? उपरोक्त सभी, तो पेज बॉर्डर तो सब लोग जानते होंगे, तो टेक्स्ट में भी बॉर्डर को लगा सकते हैं, पूरे पैराग्राफ में भी बॉर्डर को लगा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बॉर्डर लगाना है सब में, हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं, टेक्स्ट में भी, पेज में भी, पैराग्राफ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़िए, क्वेश्चन फास्ट पढ़ने का आदत डालिए। एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है? देखिए नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है ना, नेगेटिव क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर करेंगे। एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है? फाइल नहीं बनाई जा सकती है, तो एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, ये आपको पता है। चलिए, मेमो बन सकता है, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सब कुछ तो ठीक है। ये प्रेजेंटेशन जो आ गया है, ये तो एक्सेल में बन, ये सॉरी, इसमें तो पावर पॉइंट में जो बनता है फाइल, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन, एमएस वर्ड में नेविगेशन पैनल का क्या उपयोग कर सकते हैं? नेविगेशन पैनल होता है एमएस वर्ड में, उसका यूज क्या कर सकते हैं? यूज पूछा जा रहा है। फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं, या कट कर सकते हैं? फाइंड, रिप्लेस, फॉन्ट, कट, तो देखिए खोजिए, आंसर तो मिल जाना चाहिए। हाँ आंसर सही है, थोड़ा फास्ट करिए। फाइंड, नेविगेशन पैनल में फाइंड कमांड होता है ना, रिप्लेस भी नहीं होता है, फॉन्ट भी नहीं होता, और कट तो होता ही नहीं है। कट तो ये आपका क्लिपबोर्ड में होता है, फॉन्ट फॉन्ट में होता है, रिप्लेस नहीं होता, एडिटिंग में होता है, और नेविगेशन में फाइंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट कीज है? वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप हमारा वीडियो पहले से देखे होंगे तो इस तरह का, इससे संबंधित ये सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है, वो पूछा जा चुका है, बताया जा चुका है, तो चलिए आंसर करिए। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस आर, ऐसे भी अगर आपको याद होगा तो कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू, कंट्रोल प्लस टी से होता है टैब सेटिंग, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, तो क्या बच गया? कंट्रोल प्लस एम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्सन नहीं है? फिर देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, वर्सन नहीं है पूछ रहा है ना। ऑफिस 2010 है, ऑफिस 16 भी है, ऑफिस 365 अभी न्यू न्यू आया है, ये भी है जो अक्सर मोबाइल वगैरह में भी यूज होता है, और ऑफिस 2011 ये कोई वर्सन है ही नहीं, क्योंकि 2011 में ऑफिस बना ही नहीं था, तो सही आंसर है ऑफिस 2011। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन, कौन सी रन कमांड के जरिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? अब कौन सा ऐसा फाइल है जो रन कमांड के माध्यम से एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है? तो देखिए ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन के आने का उम्मीद कीजिए जब भी कोई क्वेश्चन अगर, चूंकि इसमें फॉर्म कुछ अधिक फिल हुआ है, तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन टफ होने जा रहा है। वर्ड डॉट ई एक्स ई, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, एम एस विन विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर मैं ही बता दूं। चलिए ये सही आंसर है बी, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। एक बार फिर से कम क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, कौन सी रन कमांड के जरिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए
कौन सा फाइल है जो एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका सही आंसर होगा winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कोशिश करके एकदम 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। 30 मिनट नहीं, कोशिश करेंगे और कम से कम समय में कंप्लीट करने का। तो एमएस वर्ड 2016 में किस टाइप में मल्टी लेवल लिस्ट कमांड होते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कमांड होता है एमएस वर्ड 2016 में किस टैब में, टैब पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ग्रुप नहीं है टैब है ना, तो याद करिए। बॉर्डर, बॉर्डर कमांड, सॉरी बुलेट्स और नंबरिंग, बुलेट्स और नंबरिंग कमांड कहाँ है, उसी के बगल में है, ये इंसर्ट में है, लेआउट में है, डिजाइन में है, होम में है, किस टैब में है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, फटाफट से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर तो आना ही था। इसका सही आंसर है डी, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। होम की, होम होम, कीबोर्ड में एक बटन होता है होम और एंड, है ना, स्पेशल की है। कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए, लाइन के शुरुआत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्सर को कहाँ ले जाना है, इंड को दबाते हैं तो कर्सर लाइन के लास्ट में जाता है, और होम को दबाएंगे तो कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। सही आंसर आ रहा था आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एमएस वर्ड में किस किस साइज के पेपर का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए ये प्रिंट से संबंधित आ गया क्वेश्चन, है ना, एमएस वर्ड में किस किस पेपर के साइज का। तो लेटर, लेटर तो डिफॉल्ट पेपर साइज रहता ही है, A4 को हम लोग मैक्सिमम A4 साइज का ही पेपर यूज करते हैं। लीगल भी रहता ही है जो A4 साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेटर सबसे छोटा होता है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। लेटर का भी यूज कर सकते हैं, A4 का भी, लीगल का भी, और सभी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क किस मेनू में होता है। अब ये वाटरमार्क का क्वेश्चन आ गया है ना, वाटरमार्क कहाँ होता है, होम टैब में, इंसर्ट में, व्यू में, डिजाइन में। तो देखिए गलती मत कर दीजिएगा, आपका ध्यान जा रहा है आंसर बी पे, जो आंसर बी गलत है। तो इसका सही आंसर, चलिए सही आंसर है डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब में ही वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क होता क्या है, पेज के पीछे साइड में आप देखते होंगे एक लोगो लगा हुआ होता है किसी कंपनी का, या कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, तो वो हो गया वाटरमार्क। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। अब देखिए बार पूछा जा रहा है ना, तो टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, स्टेटस बार होता है ना, और टास्क बार होता है। तो एमएस वर्ड में सबसे नीचे कौन सा बार होता है, तो सबसे नीचे एमएस वर्ड में, सिर्फ एमएस वर्ड की बात कर रहा है, पूरे सिस्टम का बात नहीं कर रहा है, एमएस वर्ड में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जबकि टास्क बार सबसे, पूरे कंप्यूटर में सबसे नीचे होता है टास्क बार, और टाइटल बार सबसे ऊपर होता है ना। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एमएस ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है एमएस ऑफिस में, तो एमएस ऑफिस का मतलब हो गया यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा तो एमएस ऑफिस का पैकेज है। तो इसमें एमएस ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं क्या, नहीं, एक्सेल में तो बनाते हैं हम लोग वर्कबुक फाइल, बुक वन बुक टू नाम होता है फाइल का, और इसमें एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही जवाब है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग 1.4 पीटी करने का शॉर्टकट कीज क्या है? लीजिए फिर से शॉर्टकट कीज, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस देते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है 1.15, यहाँ पे पूछा जा रहा है 1.5 पीटी करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे, कौन सा शॉर्टकट कीज दबाएंगे तो दो लाइन के बीच ये वाला जो बीच में स्पेस है वो 1.5 पीटी हो जाएगा। तो सही आंसर है कंट्रोल प्लस फाइव बटन को दबाएंगे तो आ जाएगा लाइन शॉर्टकट कीज में 1.5 पीटी। S27, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। माउस पॉइंट जब कोई हाइपरलिंक कमांड होता है MS Word में, उससे हम लोग लिंक करते हैं एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ, या फिर कभी भी आप इंटरनेट चलाए होंगे तो वहाँ पे जहाँ पे लिंक रहता है वहाँ पे पॉइंटर को ले जाते हैं तो पॉइंटर बदल जाता है। कैसा हो जाता है? बॉल के आकार का, इमेज के आकार का, हैंड के आकार का, या सभी? आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, हैंड के आकार का हो जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए डैश कुंजी की दबाई जाए। ऑप्शन डाउन एरो, इंट कुंजी, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल प्लस इंट कुंजी। देखिए डॉक्यूमेंट के अंत में पूछा जा रहा है, लाइन के अंत में नहीं है। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए मतलब अगर आपका 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आप एक नंबर, दो नंबर, पांच नंबर कहीं पे भी रहें, लास्ट में कैसे चले जाएंगे, मतलब 20 नंबर पेज में वो भी एकदम अंत में पहुंचना है, तो डाउन एरो से किसे जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है। एंड की से हम लोग लास्ट में जाते हैं, किसी लाइन के लास्ट में जाते हैं। कंट्रोल डाउन एरो से भी नहीं जा सकते, ये एक्सेल में काम करता है, तो यहाँ पर MS Word है, तो सही आंसर कंट्रोल प्लस इंट की कुंजी, कंट्रोल के साथ इंट की को दबाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल डैश फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट है, तो कौन सा है? MSW, WOR, WRD, DOCX। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आंसर तो क्लियर हो ही गया है ना, तो सही आंसर है डी, डॉट DOCX। तो MS Word में जो फाइल हम लोग बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाता है डॉट DOCX, तो डॉट DOCX जिसमें भी लगा हुआ रहेगा वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कीज का उपयोग करने से फाइंड वो रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, इसका जवाब आप लोग ही दे दीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस एफ। तो इस सेशन में एक बात मैं खास बता दूं कि दो चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन तेज़ी से पढ़ेंगे, आंसर तेज करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, माउस का आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। जब तक माउस का अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते, है ना, माउस का अच्छा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
चलिए ठीक है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए गुड नाइट, आज का सेशन समाप्त होता है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चन के साथ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। तो हो सकता है अगला जो सेशन हो उसमें हम बात करें थोड़ा सा फुल फॉर्म का। फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक सेशन हमारा चलेगा पूरा का पूरा फुल फॉर्म ही रहेगा उसमें, है ना। गुड नाइट टू ऑल।